हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी 83 मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि इस फ्राइडे को रिलीज हुआ है। तो ये स्पोर्ट्स जॉनर मूवी कैसा होगा इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बॉलीवुड ने आज तक ढेर सारे स्पोर्ट्स जॉनर के मूवीज़ किए हैं, लेकिन 83 जो मूवी है वो थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि इसका जॉनर स्पोर्ट्स है, लेकिन बाकी और स्पोर्ट्स फिल्म की तरह नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत ही डिफरेंट है। और इसका स्पेशली जो एडिटिंग और जिस तरीके से पूरे स्टोरी को यहाँ पे यूटिलाइज किया है डायरेक्टर कबीर खान ने, वो सच में आप लोगों को बहुत बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में। स्टोरी है जो इंडिया कैसे 83 पे वर्ल्ड कप जीते गए, प्रिपरेशन कैसे थे, कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, सेमीफाइनल पे कैसे पहुँचे, क्या क्या इंसिडेंट हुए थे पूरे वो टूर्नामेंट के दौरान, तो सब कुछ आप लोगों को इस फिल्म पे देखने को मिलेंगे। तो दिस इज बीइंग अ बायोग्राफी फिल्म, इसका जो ट्रीटमेंट था मैंने जैसे कहा वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कबीर खान ने किए है, क्योंकि कुछ कुछ सीन पे स्पेशली मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने असली प्लेयर को ट्रिब्यूट दिए थे वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सीन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, फिल्म के शुरुआत में ही जहां पे सब प्लेयर्स बोर्डिंग करेंगे एयरपोर्ट पे, तो पासपोर्ट पे जब स्टैम्प पड़ेंगे, एक एक पासपोर्ट पे आप लोगों को ओरिजिनल प्लेयर्स के पिक्चर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे जो रियल कैरेक्टर्स जो प्ले करेंगे उनका भी चेहरा दिखाएंगे। तो ये जो सीक्वेंस था मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ओवरऑल पूरे फिल्म के दौरान जो क्रिकेट मैच जैसे चलता रहेंगे, कुछ कुछ मतलब हाईलाइट शॉट्स पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि ऑडियंस ऑल्सो वॉचिंग ऑन द टीवी, तो टीवी में जो सीन्स दिखाएंगे दैट इज द रियल फुटेज ऑफ द क्रिकेट मैच, लेकिन उसी समय आप लोगों को स्टेडियम पे क्या चल रहा है, क्या सीन हो रहा है वो भी दिखाएंगे। और एग्जैक्टली जो सीन जो फ्रेम आपको टीवी में देखने को मिलेंगे, जो टेलीविजन पे दिखाएंगे, वही फ्रेम आप लोगों को सिनेमा में भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो एडिटिंग था, ये जो ट्रांजिशन था, सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। जिस जिस समय ये दिखा रहे थे यू विल बी एक्साइटेड टू वॉच दो सीन्स। तो क्या ये सच में एक अच्छा स्पोर्ट्स जॉनर की मूवी है? अगर कहूँ तो इट्स अ गुड बायोग्राफी फिल्म, नॉट अ कम्प्लीट लाइक गुड मूवी लाइक चक दे इंडिया, क्योंकि चक दे इंडिया का जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ही डिफरेंट था। इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अलग सा है। जो 90s के किड्स है, जो आजकल के जनरेशन के बच्चे हैं, वो 1983 वर्ल्ड कप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। उस समय इंडिया कैसे स्ट्रगल किए थे, जब उस टीम के ऊपर कोई बिलीव नहीं कर रहा था, कोई होप नहीं थे, तभी वो कैसे वर्ल्ड कप जीते, तो ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ही नए लगेंगे। लेकिन रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी दे वोन द वर्ल्ड कप, लेकिन जिस तरीके से पूरे यहाँ पे मैच को दिखा है डायरेक्टर ने, जो एंटिसिपेशन, जो गूज़बम्प्स पूरे फिल्म पे यहाँ पे यूज़ किया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। स्पेशली लास्ट 30 मिनट्स जो आप लोगों को गूज़बम्प्स देके, दैट वॉज द अल्टीमेट वन। वो आप लोग थिएटर में बहुत बहुत एंजॉय करोगे, और लास्ट में जिस तरीके से ख़त्म होंगे, जो इमोशनल मोमेंट्स यहाँ पे दिखाएंगे, इट विल मेक यू इमोशनल एज वेल टू। और जिन लोगों ने ये 1983 वर्ल्ड कप को देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो लोग जब ये फिल्म देखेंगे इट विल मेक देम क्राई अ बिट, क्योंकि इमोशनल मोमेंट यहाँ पे जिस तरीके से कबीर खान ने दिखाया, सबको यूनाइट होके सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो जो इमोशंस यहाँ पे पोर्ट्रेट किए थे एंड पे, दैट वॉज रियली अ गुड पार्ट ऑफ दिस मूवी। लेकिन इस फिल्म का एक जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, वो है फिल्म का रन टाइम। ऑलमोस्ट 2 hours 50 minutes ये फिल्म का रन टाइम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लेंदी लग रहा था, कुछ कुछ सीन अगर कट कर देते तो फिल्म और थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्प होते तो देखने में और ज़्यादातर अच्छा लगते। तो यहाँ पे दीपिका पादुकोण के जो कैरेक्टर है वो सेकंड हाफ में आएंगे, तो उनका ये कैमियो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का जो स्क्रीन प्रेजेंस था वो बहुत ही बढ़िया था। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिंग के बारे में अगर कहूँ, सब लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बहुत बढ़िया था। दीपिका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्पेशली पंकज त्रिपाठी जो पीआर मानसिंह के कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनका यहाँ पे जो डायलॉग डिलीवरी, उनका जो यहाँ पे मैनरिज्म थे वो देखने लायक थे। और फिल्म पे जो लुक एंड फील थे, उस समय जो सेटअप होने चाहिए थे, उस समय जो जो चीज़ होते थे कि टीवी पे वो एंटेना सेट कर रहे थे, एंटेना सेट करके देखते थे, जो जो लुक एंड फील था उस समय होना चाहिए था, वो यहाँ पे डायरेक्टर बहुत अच्छे से यूज़ किया है। तो आप लोगों को प्रीमियम एक 1983 वाला वाइब ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक दो कैमियो रोल भी है, अगर आप लोग फिल्म अभी तक देख चुके हैं तो यू विल ऑलरेडी नो। तो ये ओवरऑल जो फिल्म था मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिल्म का सिनेमाटोग्राफी और स्पेशली जो वो थीम बैकग्राउंड म्यूजिक है, दैट विल रियली रियली गिव यू गूज़बम्प्स अ लॉट। तो ओवरऑल अगर कहूँ तो 83 इज अ कंप्लीट इमोशंस आल्सो, क्योंकि ये क्रिकेट प्लस अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और मुझे लगता है कबीर खान का ये अभी तक वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स है। तो अगर आप लोगों ने ये 83 मूवी देख ली है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।